Hey guys, welcome back to the video. दोस्तों अपडेट का सीजन चल रहा है, यहाँ पे अभी कुछ टाइम में एंड्रॉइड 15 के अपडेट्स आना चालू हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पे एंड्रॉइड 14 का अपडेट अभी बहुत सारे डिवाइसेस को नहीं मिला है। अभी कुछ डिवाइसेस में धीरे धीरे करके आ रहे हैं और उनमें से एक डिवाइस है आपका मोटोरोला G54 5G। दोस्तों इस डिवाइस को रिसेंटली एंड्रॉइड 14 का अपडेट रिसीव होना चालू हुआ है। बहुत सारे क्रिएटर्स बोल रहे हैं यहाँ पे अपडेट काफी अच्छा है, बहुत सारे क्रिएटर्स बोल रहे हैं यहाँ पे अपडेट्स में काफी बग्स है। तो यहाँ पे लोग जो है ना वो इसको देख करके काफी ज्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं। लोग ये सोच रहे हैं कि भाई उनको ये अपडेट इंस्टॉल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और अगर आपने इंस्टॉल कर भी लिया है तो क्या इसके बग्स फिक्स हो सकते हैं और क्या इसमें हेलो यूआई का अपडेट भी मिल रहा है। तो सारी चीजों की जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूं, तो वीडियो को अंत तक देखना और मेक श्योर अगर आप लोग चैनल पर हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं ऐसे टेक वीडियोस आप लोग के लिए लाता रहता हूं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ऋषभ और आज हम लोग बात करने वाले हैं मोटो G54 5G में एंड्रॉइड 14 के अपडेट के बारे में। दोस्तों इस अपडेट के सबसे पहले मैं फाइल साइज के बारे में बात करूं तो 1.68 GB के फाइल साइज के साथ आता है, यानी कि अपडेट काफी ज्यादा बड़ा है। यहाँ पे दोस्तों ये अपडेट एंड्रॉइड 14 को लेकर के आता है। दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे लोगों के मन में ये होगा कि इसमें हेलो यूआई का अपडेट आया होगा, क्योंकि यहाँ आपको पता होगा कि मोटो वालों ने यहाँ पे अपना यूआई का नाम बदल दिया है। माई यूएक्स की जगह अब हेलो यूआई के नाम से जाना जाएगा। लेकिन ये अपडेट जो आपका आया है ना इस बार वो माई यूएक्स का ही आया है, इसमें हेलो यूआई का अपडेट नहीं है। हेलो यूआई में कुछ चीजें इंप्रूव कर दी गई है। खैर आगे चल के हो सकता है कि हेलो यूआई का अपडेट भी इसमें रिलीज कर दिया जाए, बट अभी के लिए इसमें माई यूएक्स का ही अपडेट दिया गया है। दोस्तों यहाँ पे अगर फीचर्स के बारे में बात करूं तो यहाँ पे बहुत सारे फीचर्स दिए गए एंड्रॉइड 14 में, जैसे फीचर्स आते हैं वो सारे फीचर्स यहाँ पे देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पे अगर मैं प्रॉब्लम्स के बारे में बात करूं ना तो यहाँ पे प्रॉब्लम्स काफी ज्यादा दिए गए हैं। तो फीचर्स आपको तो देखने को मिल ही जाएंगे, आप लोग अगर खोजोगे तो बहुत सारे फीचर्स मिलेंगे आपको। लेकिन अगर प्रॉब्लम्स के बारे में बात करूं तो यहाँ पे लोगों को परफॉर्मेंस रिलेटेड, यहाँ पे बैटरी रिलेटेड, यहाँ पे हीट रिलेटेड बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। दोस्तों शुरुआत करते हैं यहाँ पे परफॉर्मेंस रिलेटेड प्रॉब्लम के बारे में। तो लोगों को यहाँ पे परफॉर्मेंस में ये प्रॉब्लम आ रही है कि यहाँ पे अपडेट करने के बाद यहाँ पे गेमिंग में थोड़े से इनको जीटर्स देखने को मिल रहे हैं। अब दोस्तों यहाँ पे ये प्रॉब्लम हो सकता है कि इस अपडेट का पूरी तरीके से ऑप्टिमाइज ना होने की वजह से हो। दोस्तों इस अपडेट को इंस्टॉल करने के बाद लोगों को 1080p पे जो वीडियो प्ले हो रही है वो भी लैग कर रही है, यानी कि यहाँ पे पूरा तरीके से ऑप्टिमाइजेशन को इग्नोर किया गया है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे तीसरे प्रॉब्लम के बारे में दोस्तों, ये है हीटिंग के बारे में। दोस्तों यहाँ पे डिवाइस पहले के मुकाबले काफी ज्यादा हीट हो रहा है। अभी यहाँ पे नॉर्मल यूजर्स के बारे में बात करूं या फिर गेमिंग के बारे में बात करूं तो यहाँ पे पहले के मुकाबले काफी ज्यादा हीट हो रही है। इसका दो कारण हो सकता है, सबसे पहला ऑप्टिमाइजेशन सही से ना होने के कारण, दूसरा एनवायरमेंट टेम्परेचर बढ़ने के कारण। क्योंकि आपको पता है कि कुछ टाइम पहले तक मौसम ठंडा हुआ करता था, लेकिन अभी के टाइम में मौसम काफी ज्यादा गर्म हो रहा है, जिस वजह से सिर्फ आपका ही फोन नहीं बल्कि सबके स्मार्टफोन, सबके इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स गर्म हो रहे हैं। और यहाँ पे ये एनवायरमेंट टेम्परेचर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके डिवाइसेस को ठंडा या गर्म रखने के लिए। खैर दोस्तों ये अपडेट आने के बाद डेफिनेटली हीटिंग में थोड़े से चेंजेस देखने को मिले और यहाँ पे हीटिंग जरूर बढ़ चुका है। लेकिन दोस्तों इसका सॉल्यूशन भी है जिसको मैं आगे बता दूंगा आपको कि क्या करना है जिससे ये चीजें फिक्स हो सकती है। अब जो बात करते हैं चौथे प्रॉब्लम के बारे में, वो है इसके कैमरा के रिगार्डिंग। दोस्तों लोगों को ये चाहिए था कि इनका कैमरा अपडेट के बाद ठीक हो जाए, कैमरा में इंप्रूवमेंट आए, बट दोस्तों यहाँ पे कैमरा में इंप्रूवमेंट तो छोड़ो, यहाँ पे कैमरा उल्टा डिग्रेड हो गया है। दोस्तों अगर मैं बात करूं नॉर्मल पिक्चर्स के बारे में ना, तो यहाँ पे मेन जो प्राइमरी लेंस है उसके द्वारा क्लिक किया गया पिक्चर हो या फिर सेल्फी कैमरा के द्वारा क्लिक किया गया पिक्चर हो, दोनों में ही ऑप्टिमाइजेशन का पूरा कमी देखने को मिल रहा है। सेल्फी कैमरा में पहले के मुकाबले अभी कलर्स थोड़े से म्यूटेड नजर आ रहे हैं, वहीं पे इसकी क्वालिटी भी डाउनग्रेड हो गई है। और मेन लेंस का भी वही हाल है, मेन लेंस का भी कैमरा क्वालिटी भी डाउनग्रेड हो गया है। दोस्तों डेफिनेटली यहाँ पे कैमरा डिपार्टमेंट में इंप्रूवमेंट के नाम पे कुछ नहीं किया गया, यहाँ पे डिग्रेड उल्टा ये अपडेट के बाद हो गया है। दोस्तों इसका भी सॉल्यूशन है, आगे मैं बताऊंगा आपको कि क्या सॉल्यूशन होने वाला है। खैर दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे बैटरी के बारे में। तो लोगों को बैटरी ड्रेनिंग में भी काफी ज्यादा इशू आ रहा है, लोग यहाँ पे परेशान हो रहे हैं कि यहाँ पे उनका फोन पहले के मुकाबले ज्यादा जल्दी ड्रेन कर रहा है। और इस अपडेट को इंस्टॉल करने के बाद वेरियस प्रॉब्लम देखने को मिल रहे हैं। अगर आपने इस अपडेट को इंस्टॉल किया है तो आपको अगर कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो नीचे में कमेंट जरूर करना। अब सो बात करते हैं यहाँ पे इसके सॉल्यूशन के बारे में कि इतने सारे प्रॉब्लम है, इसका सॉल्यूशन आखिर क्या है। दोस्तों अगर सॉल्यूशन के बारे में बात करूं अपडेट के बाद, तो उसका एक सॉल्यूशन होता है कि कोई नेक्स्ट अपडेट आए जिसमें ये सारे बग्स फिक्स हो जाए। लेकिन दोस्तों आपको पता है कि मोटोरोला का यहाँ पे अपडेट पॉलिसी काफी स्लो है, यहाँ पे अपडेट काफी ज्यादा स्लो आते हैं, जिस कारण से अभी आपको कुछ एक्शन लेना पड़ेगा, जिसके लिए आपको क्या करना है। अगर आपका फोन में हीटिंग इशू आ रहा है या फिर परफॉर्मेंस में जिटर लैग्स का इशू देखने को मिल रहा है ना, तो आप लोग क्या करो, अपना फोन को एक बार रीस्टार्ट कर लो। अगर रीस्टार्ट से काम नहीं बन रहा है, अगर आपका पॉसिबल हो तो आप एक बार अपने फोन को फैक्ट्री रीसेट कर लो। जी हां दोस्तों, पूरी तरीके से फॉर्मेट कर लो, अगर आपको पॉसिबल हो अपना डाटा को ट्रांसफर कर लेना, उसके बाद रीसेट कर लेना। वहीं पे दूसरा, अगर आपका कैमरा रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है ना, कैमरा रिलेटेड अगर आपको प्रॉब्लम आ रहा है तो
तो आप क्या करो, यहाँ पे अपने कैमरे की सेटिंग में जाओ और वहां पे अपना कैमरा का सारा डाटा क्लियर कर दो। क्लियर कैसे, क्लियर डाटा करने के बाद फिर से फोन को रीस्टार्ट करने के बाद कैमरा को ओपन करो, देखो कि कैमरा में जरूर आपको थोड़ा सा इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। अब सब बात करो अगर बैटरी के बारे में, तो बैटरी में ड्रेनिंग इशू आ रहा है। तो मैंने आपको पहले बताया था कि एनवायरमेंट टेम्परेचर बढ़ रहा है जिस कारण से फोन हीट हो रहा है, और फोन जहां पे हीट होगा वहां पे फोन थ्रोटल भी करेगा और फोन की बैटरी भी ज्यादा ड्रेन होगी एज कम्पेयर टू नॉर्मल। दोस्तों यहाँ पे आपका बैटरी ड्रेनिंग जो है ना वो हीटिंग के वजह से ज्यादा देखने को मिल रहा है। फिर भी अगर आपका बैटरी ज्यादा ड्रेन हो रहा है तो एक काम करो, फोन को 100% चार्ज करने के बाद 0 तक यूज करो, उसके बाद फिर से उसको 100 तक चार्ज करो, फिर से उसे 0 तक यूज करो। ऐसे करके आप लोग 3 बार ऐसे करो और उसके बाद आप लोग देखना जरूर आपके बैटरी में इंप्रूवमेंट नजर आएगा। तो दोस्तों यहाँ पे अब बात करते हैं फाइनल कंक्लूजन के बारे में, क्या आपको ये अपडेट अभी इंस्टॉल करना चाहिए या नहीं चाहिए। दोस्तों बहुत सारे लोग आपको बोलेंगे कि अपडेट इंस्टॉल मत करो, बहुत सारे बग्स हैं ऐसे वैसे, तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप लोग ये वाले अपडेट को इंस्टॉल नहीं करते हो तो नेक्स्ट वाला अपडेट आपको नहीं प्रोवाइड किया जाएगा, यानी कि इस वाले अपडेट को आपको इंस्टॉल करना होगा पहले, उसके बाद ही आपको नेक्स्ट वाला अपडेट मिलेगा। और ना जाने ये मोटो वाले कब ये अपडेट प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि मोटोरोला के अपडेट्स काफी ज्यादा स्लो आते हैं। तो डेफिनेटली आप लोग ये अपडेट को इंस्टॉल कर सकते हो। दोस्तों ये जरूरी नहीं कि सारे प्रॉब्लम आपके डिवाइसेस में देखने को मिले, वेरियस लोगों को वेरियस प्रॉब्लम्स आ रही है, तो डेफिनेटली आप इसको अभी इंस्टॉल कर सकते हो, यहाँ पे आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी बात नहीं है। उसके बाद जो जो मैंने स्टेप्स आपको बताए वो फॉलो कर सकते हो। फिर भी अगर आपको ऐसा लग रहा है कि भाई ये मुझे नहीं कुछ प्रॉब्लम पड़ना है और यहाँ पे मैं जिस अपडेट में हूँ उसमें खुश हूँ, तो आप डेफिनेटली नेक्स्ट अपडेट तक का इंतजार करो। तब जो नेक्स्ट अपडेट आ जाएगा ना, तब दोनों अपडेट एक बार में आप इंस्टॉल कर लेना, तब आपका डिवाइस काफी मक्खन की तरह चलेगा। आइए दोस्तों आप इस वीडियो में समझ गए होंगे कि इसमें क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या क्या बग्स है और यहाँ पे क्या क्या सॉल्यूशन है, सब कुछ मैंने बता दिया। होप दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो यार प्लीज लाइक करना, ढेर सारा शेयर करना, चैनल पर हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय।